दोस्तों आज मैं आप सभी से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं और उस इन्फॉर्मेशन की शेयर करने के बाद मैं आप सभी से एक चीज के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा परिवार है एडीज एम्पायर का परिवार वो जरूर मेरी बात को मानेगा और उसके बाद मैं जो भी कहूंगा उस चीज को वो आगे बढ़ाएंगे। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं उस इन्फॉर्मेशन को और मेरा रिक्वेस्ट क्या है आपसे उस चीज को। दोस्तों जब हम 15 अगस्त मना रहे थे, मतलब अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे, हम एंजॉय कर रहे थे, हम नाच रहे थे, हम गा रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में मातम पसरा हुआ था, जो लोग बहुत ज्यादा दुखी थे, जो लोग रो रहे थे, क्योंकि एक ऐसा घटना हुआ था जो कि अरुणाचल प्रदेश में हुआ था और अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में यह हुआ था। अगर विलेज की बात की जाए तो खोगला जो विलेज था वहां की यह घटना है। वहां पर क्या होता है, कुछ लड़कियां है जो है वो नहाने के लिए नदी में जाती हैं एक पुराने पुल के करीब में, जहां पर एक नया पुल ऑलरेडी बन चुका है और एक पुराना पुल होता है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, इस तरीके के कुछ खंबे वहां पर खड़े होते हैं। लेकिन जब ये बच्चे जो लड़कियां थी वो वहां पर नहा रही होती हैं तो वो जो पुल है वो उनके ऊपर गिर जाता है और उनमें से एक लड़की जो है, एक बच्ची जो है, उसकी मौत हो जाती है। बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि एक लड़की जो है वो छोटी सी लड़की, आप देखो कितनी प्यारी सी लड़की है, इसकी मौत वहां पर हो जाती है। और उसके बाद एक जो लड़की है वो बहुत बुरी तरीके से घायल है। अगर उसकी बात की जाए तो उसके जो हेड है, हेड में इंजुरीज हुई है, उसका जो स्कल है वो स्कल क्रैक हो गया है और उसका जो दिमाग है उसके अंदर प्रॉपर ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। और जब उसको डिब्रूगढ़ में लेकर के आया गया तो डिब्रूगढ़ में यह बताया गया कि उनके जो दिमाग का है उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए भाई सबको पता है कि पैसे की जरूरत होती है और पैसे, हमें पता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी को आते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है। और इस लड़की की अगर बात की जाए जिनका नाम है नगमन्या वांगशा, अगर मेरा प्रोनंसिएशन गलत है तो बहुत माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इस लड़की का, नगमन्या वांगशा का, जो कि नवांग वांगशा के वांगशा की बेटी है, जिनका कि जैसे मैंने बोला खोंगला विलेज में रहने वाली है और डिस्ट्रिक्ट लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है, तो इनका जो परिवार है ये भी बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार है जिसको कि हमारे मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब मिलकर के इस लड़की की जिंदगी को बचा सकते हैं। देखिए हमने बहुत सारे खर्चे किए होंगे, कभी हम बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे लोग स्मोक करने के आदि होते हैं, स्मोक करके वो अपने पैसे को खर्च करते हैं, कुछ को गुटखा खाने की आदत होती है उसमें पैसे खर्च करते हैं, कुछ को पान खाने की आदत होती है उसमें खर्च करते हैं, कुछ चिप्स के खर्च करते हैं और कुछ अपने गर्लफ्रेंड के पीछे खर्च करते हैं। तो क्यों ना इंसानियत के नाते एक छोटी सी बच्ची जिसने कि अभी तक दुनिया देखा नहीं है और जिसको अभी बहुत आगे बहुत कुछ करना है, उसकी जिंदगी बचाने के लिए एक दिन का हमारा जो भी खर्चा है 10, 20, 50, 100 रुपए, 200, 1000, 500 जितना भी हो सके, ये जो अकाउंट नंबर आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है इस पर हम शेयर कर दे। तो मैं आपको अकाउंट नंबर बता देता हूं, अकाउंट नंबर 3718895 4507, ये जो है ये अकाउंट नंबर है। अगर आईएफएससी कोड की बात की जाए तो आप देखिए SBIN 00157 16, और ये जो अकाउंट है ये किंग वांग वांगशा का है, वांगशाम का है, तो इस नंबर पर, इस अकाउंट पर आप शेयर कर सकते हैं। मैं इस सारा डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं। अगर आप डायरेक्टली इस अकाउंट नंबर पर अगर आप शेयर करें जो भी आप शेयर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होगा गाइस। और मैं अपने तरफ से ऑलरेडी इसमें जो भी मैं दे सकता था, जो भी मैं कर सकता था, वो ऑलरेडी मैं कर चुका हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप जरूर मदद कीजिएगा। देखिए हमारी छोटी सी मदद जो है वो एक लड़की की जिंदगी को बचा सकता है, तो इस लड़की का जिसने की दुनिया नहीं देखा है मौत हो सकता है गाइस। तो प्लीज हेल्प। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए वीडियो बनाया था, अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।